नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और वक्त हो चला है जन मुद्दे का। जन मुद्दे में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की सड़क पर। एक तरफ देश विकास की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पड़ते गड्ढे विकास की गति को धीमा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खटीमा के जमौर की, जहां पर लाखों की लागत से बनी सड़क महज 4 दिनों में उखड़ने लगी है, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। दरअसल ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क बनाए जाने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में जगह जगह घास उगना शुरू हो गई है, वहीं सड़क की हालत इतनी खस्ता है जो मोटरसाइकिल के चलने से ही क्षतिग्रस्त होने लगी है। वहीं इस पर लोग निर्माण विभाग के अधिकारी का कहना है कि खराब सड़क निर्माण की सूचना मिलने पर सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है और ठेकेदार को चेतावनी दी गई है कि उच्च कोटि का निर्माण कार्य दोबारा से किया जाए। ये मात्र 3-4 दिन बने हुए हैं, इस पे ना तो ट्रैक्टर ट्राली अभी गया हुआ है, धान कटे को हमारे ये रोड से पहले धान कट चुका था और इसकी हालत बहुत ही वो है खराब, क्योंकि ये 1 महीना नहीं निकाल पाएगी ये रोड। आपने ठेकेदार से नहीं कहा? नहीं, हमने घास से कंप्लेंट की थी कि हाँ सर ये देखिए हमारा ये रोड बहुत खराब बन रही है, घास उग रहा है, इस पे घास जम रहा है, क्या कारण है इसका, क्या है? वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से करेंगे ठीक, यह है वो है, ये क्या है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, ये घास जमेगी, ये बाद में अपने आप जब ट्रैक्टर ट्रॉली चलेगा तो ये घास अपने आप विलुप्त तो हो जाएगी। पर सड़क तो टूटनी चालू हो गई है अभी। हाँ, सड़क तो पहले से टूटने चालू हो गई है। बाइक का एक स्टैंड लगा रहे हैं, उसी समय उखड़ जा रही है, ट्रैक्टर की ब्रेक लगा रहे हैं, साइकिल की ब्रेक लगा रहे हैं, ये सड़क उखड़ जा रही है। सर, इस रोड पे बने हुए 4 दिन हो गए और 4 दिन में ही इस रोड की इतनी बुरी हालत हो गई है कि इसके ऊपर घास जम रहा है, जगह जगह से टूट रही है और इसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं पड़ा है जी। और आपने देख ही लिया, इन्फेक्शन आपने कर ही लिया है कि इसके ऊपर कि कहाँ हर जगह से आप हाथ से ही रोड उखड़ जा रही है। हमने सर जय साहब से हमें फ़ोन पे वार्तात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हम कल आएंगे, फिर इस बारे में कुछ जो भी करना है ठेकेदार से मिलकर बात करेंगे। ठेकेदार को इसके बारे में सर हमने 4 दिन पहले कह दिया था, लेकिन ठेकेदार ने कुछ नहीं सुना हमारा, वो अपना काम करता जा रहा है। शिकायत हमने मिली थी, परसों में गई थी, तो उसके बाद हमने इसमें काम रुका दिया। एक्चुअल में इसमें केवल नवीनीकरण का काम होना था, पत्थर का काम नहीं होना था, पुराना काम हुआ है, सरफेस में घास जमी थी तो उसको जलाने के लिए केमिकल वगैरह डालने के लिए उसको कहा गया है और जो खराब हुआ है उसको ठीक करने के बाद ही जो है आगे का कार्य किया जाएगा और कार्य सही होने पर ही जो है उसका भुगतान मिलेगा। मैंने वो देख लिया था, कई फोटो मेरे पास आए थे, घास पे उसके जो किनारे में घास उसकी बच गई थी उसको उखाड़ने के लिए या उसको जलाने के लिए उसको कहा गया है दोबारा, और जो घास जम रही है ऊपर से नीचे को ट्रैफिक न होने की वजह से घास उसमें जो है उग रही है उसको दोबारा जला के उसको तब करेगा अगर, लेकिन हाँ एक दिक्कत है, अगर ट्रैफिक नहीं चलेगा तो घास में जो है बिटुमेन जो है खाता काम करता है तो ऊपर निकल जाएंगे। साहब के विधानसभा के जमौर क्षेत्र में जो सड़क निर्माण हो रहा है वो एक बहुत घटिया सामग्री का उसमें उपयोग किया जा रहा है। सीएम साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन वो दावे सब खोखले साबित हुए हैं। सीएम साहब का कहना था कि अगर हम अधिकारियों पर नज़र रखेंगे, क्या इसी प्रकार वह निर्माण कार्य के अधिकारियों पर नज़र रखे हुए हैं जो जिसका निर्माण कार्य ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया है और घटिया किस्म का सामग्री उसमें उपयोग की जा रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होगी तो ग्रामीण इसमें आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ग्रामीणों के साथ आम आदमी पार्टी भी जन आंदोलन के लिए पूरा समर्थन और सहयोग करेगी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के खटीमा में जामोर की, हम बात कर रहे हैं जहां पर 4 दिन में ही नवनिर्मित सड़क कि जो असलियत है वो यहाँ पर सामने आ गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो सड़क है एकदम घटिया सामग्री का उपयोग इसमें हुआ है, जिसके कारण जो सड़क है वो उखड़ना शुरू हो गई है। अभी से यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरीके से बदहाल स्थिति सड़क की हो रखी है। वहीं इसके साथ ही जो ग्रामीण है उन लोगों का ये भी आरोप है कि जो सड़क है उसके निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, वहीं सड़क के आसपास घास का उगना भी शुरू हो गया है, गाजर घास वहां पर उग रही है और इस तरीके से सड़क का निर्माण किया गया है कि वहां पर
साधारण तौर पर वहां पर जब साइकिल और मोटरसाइकिल उस सड़क से गुजर रही है तो ऐसे वक्त में भी जो सड़क है वो खराब हो जा रही है और उखड़ने लगी है। लगातार जो ग्रामीण है इस मामले की शिकायत कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो अधिकारी है वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनसे शिकायत की गई है कि किस तरीके से बदहाल स्थिति यहाँ पर हो रखी है और जो सड़क है वो यहाँ पर काफी खराब स्थिति में है। बावजूद इसके ग्रामीणों का कहना है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और किसी तरीके की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। वहीं पूरे मामले में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जब मीडिया द्वारा इस मामले को उठाया गया, जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो तमाम यहाँ पर लापरवाही हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है और जल्द सुधार जो है सड़क में किए जाने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें खटीमा की हम बात कर रहे हैं। खटीमा में जामूर जहाँ पर एक सड़क निर्माण किया गया है और इस दौरान देखा जा रहा है कि सड़क को बने अभी कुछ ही दिन हुआ है और केवल 4 दिन में ही जो सड़क है वो उखड़ने लगी है, जिसके कारण जो ग्रामीण है लंबे समय से यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे थे और जब सड़क बनी है तो कुछ इस तरीके से कि 4 दिन में ही बदहाली की ओर सड़क बढ़ चल रही है। कई आरोप जो है वो यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद जो अधिकारी है ग्रामीणों का कहना है कि इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी तरीके का आश्वासन ग्रामीणों को अब तक नहीं मिला है। खटीमा की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के खटीमा की, जहां पर जामोर में आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में जो सड़क है वो उखड़ना शुरू हो गई है और सड़क के किनारे से भी सड़क उखड़ रही है। इसके साथ ही घास भी वहां पर उग रही है और गाजर घास उगने के कारण जो सड़क है वो वहां पर पूरी तरीके से बर्बाद होती दिखाई दे रही है। वहीं इसके साथ ही जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो सड़क यहां पर बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल या साइकिल गुजरने पर भी जो सड़क है वो उखड़ना यहां पर शुरू हो गई है। खटीमा का ये मामला है जहां पर जामोर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो जिसके कारण बदहाल स्थिति में ये जो सड़क है वो पहुंच गई है। आपको बता दें जामोर की बात की जा रही है जहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने की यहां पर आरोप लगाया गया है ग्रामीणों द्वारा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण तो किया गया है लेकिन सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण से महज चार ही दिन में जो सड़क है वो उखड़ने लगी है, बर्बादी की ओर सड़क दिखाई दे रही है, बदहाल स्थिति यहां पर सड़क की हो रखी है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो सड़क है उस पर अब गाजर घास उगने लगी है, यानी कि आसपास जो घास उगी हुई है वो अब सड़कों पे भी उगने लगी है। इस तरीके से जो घटिया सामग्री है उसका उपयोग किया गया है और यही कारण है कि इस तरीके की स्थिति यहां पर बन रही है। लाखों की लागत से यहां पर निर्माण हुआ है सड़क निर्माण, लेकिन देखा जा रहा है कि किस तरीके से लाखों का जो पैसा सड़क निर्माण में यहां पर लगाया गया है, लाखों की जो राशि सड़क निर्माण में लगाई गई है वो पानी में बहती हुई अभी नजर आ रही है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि ठेकेदार को चेतावनी की बात भी यहां पर अधिकारी द्वारा की जा रही है। वहीं इसी मुद्दे पर जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक सरकार है, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जामोर की हम बात कर रहे हैं जहां पर बदहाली में सड़क दिखाई दे रही है, चंद दिनों पहले ही ये सड़क बनी है और फिलहाल जो सड़क की स्थिति बनी हुई है वो काफी खराब है, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताइए। ये जहाँ जामोर में जो रोड डामरगढ़ हो रहा है जी, फिलहाल चार दिन हुए काम शुरू हुए, एक अभी से ही घास उगना शुरू हो गया, रोड उखड़ रहे हैं उसमें, जबकि कोई अभी वाहन भी नहीं चला उस रोड पे, ठेकेदार सामने आ नहीं रहे हैं और अधिकारी से पूछने पर अधिकारी कहते हैं कि घास जो उग रहे हैं ये घास नहीं उगेंगे, जब इसमें गाड़ियां चलेंगी तो सही हो जाएंगे जी।
जी वहीं अशोक जी, यहाँ पर ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीण किस तरीके से उनकी जो समस्या है वो किस तरीके से यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, तमाम जो स्थिति रोड की यहाँ पर दिखाई दे रही है? ग्रामीणों का कहना है कि घटिया सामग्री लग रही है जी, जो ये दो महीने भी नहीं चल पाएंगे रोड, जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है जी। और दूसरी तरफ जहाँ यहाँ पे गृह क्षेत्र धामी जी का जो सीएम पुष्प सिंह धामी जी है उनका गृह क्षेत्र ही है जी। हाँ, सीएम साहब का कहना है कि कोई भी काम में लापरवाही बरताई नहीं जाएगी, फिर भी यहाँ जो अधिकारी लापरवाही देखते होंगे जी। अशोक जी, वहीं यहाँ पर जो सरकारी पैसा है उसका तो कहीं ना कहीं यहाँ दुरुपयोग देखा ही जा रहा है, वहीं जो ग्रामीण है, जो वहाँ पर क्षेत्रीय रहवासी है, क्या उनके द्वारा यहाँ पर अधिकारियों से शिकायत की गई है पूरे मामले की? अधिकारी से फोन द्वारा शिकायत गई है, वहाँ अधिकारी मौके पर बुलाया गया है, अधिकारी टाल मटोली करते हुए आ रहे हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे कोई अधिकारी जी। अशोक जी, वहीं इसके साथ ही जब सड़क निर्माण हो रहा था, क्योंकि सड़क निर्माण होता है तो किस तरीके का सामग्री वहां पर उपयोग होती है, इस तरीके इन सब चीजों पर भी पूरा निरीक्षण किया जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो निरीक्षण करते हैं और उसके बाद ही यहां पर सारी चीजें देखी जाती है, तो क्या यहां पर मॉनिटरिंग नहीं की गई निर्माण कार्य के दौरान? अधिकारी कहते हैं कि हमने मॉनिटरिंग करी है, काम सही हो रहा है, तो मगर मौके में ये खाली मुंहजवानी मॉनिटरिंग की गई है, काम जो है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा उसमें जी। वहीं यहाँ पर आगे जो अधिकारी हैं, यानी कि जो जिम्मेदार हैं, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भी यहाँ पर मामले में कार्रवाई की बात कही गई है, तो क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार हैं या जो अधिकारी हैं उन लोगों का? अधिकारी का कहना यही है, जो यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं जी, उनका कहना है कि हमने ठेकेदार को इजाजत दे दिया है कि काम अगर सही नहीं हुआ काम रुकवा दे रहे हैं हम, और काम अगर सही नहीं करेंगे तो ये काम का पेमेंट आपको इसका पेमेंट रोक दिया जाएगा आपका जी। अशोक जी, वहीं यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो किस तरीके से इस मामले में आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मामले में कहीं ना कहीं तो जो सामग्री है घटिया सामग्री का उपयोग हुआ होगा तभी इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो अधिकारियों द्वारा मामले में जब आगे जांच के आदेश दिए गए हैं या फिर किस तरीके से कार्रवाई के आगे प्रयास किए गए हैं अधिकारी द्वारा? जांच के आदेश दिए गए, जांच के लिए कहा जा रहा है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं और जांच की जाएगी जी। जी अशोक जी, बने रहिए हमारे साथ। वहीं आपको बता दें कि खटीमा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जमोर क्षेत्र जो है वहां पर जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, और चार ही दिन में हम आपको बता दें कि ये सड़क निर्माण जो किया जा रहा है, सड़कें उखड़ने लगी है, केवल चार दिन में, चार ही दिन हुए हैं सड़क को बने हुए और सड़क फिर से उखड़ने लगी है, बदहाली यहाँ पर सड़कों की देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें जो ग्रामीण है वो यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि काफी कम दिन अभी बीते हैं सड़क को बने हुए, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क है वो उखड़ने लगी है, घास उसमें उगने लगी है, और ग्रामीणों द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब मामले में जो जिम्मेदार है उन तक ये बात पहुंचाई गई कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो उनके द्वारा भी किसी कार्रवाई की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। वहीं आपको बता दें कि जब सड़क निर्माण हो रहा है तो इस दौरान निरीक्षण किया जाता है अधिकारियों द्वारा कि किस तरीके से काम हो रहा है, बावजूद इसके बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जब निर्माण कार्य हो रहा होगा उस दौरान जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया गया होगा, और बावजूद इसके जो अंत में यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा हुआ है और जो यहाँ पर निर्माण कार्य देखा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है, और इसी कारण से जो सड़क है वो इस स्थिति में यहाँ पर दिख रही है कि केवल चार ही दिनों में जो नवनिर्मित सड़क है वो उखड़ने लगी है। इसके साथ ही गाजर घास भी वहां पर उगती हुई आप देख सकते हैं, ग्रामीणों ने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से जो सड़क है वो यहां पर उखड़ने लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ग्रामीण है वो भी ये बता रहे हैं कि जो सड़क है वो किस तरीके से बदहाल स्थिति यहां पर दिख रही है, दरारें पड़ गई है और गाजर घास उगने लगी है सड़कों के अंदर, डामरीकरण यहां पर सड़कों का हुआ है, और तस्वीरों में भी साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो बदहाली है सड़कों की यहां पर देखी जा रही है। केवल चार दिन हुए हैं सड़कों को बने हुए, वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि जब इस तरीके से
अपने आप ही सड़कें उखड़ने लगी है, तो जब इस पर से वाहन जाना शुरू होंगे, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो अन्य वाहन है, जब वो यहाँ से जाना शुरू होंगे, तो कुछ ही दिनों में, महज कुछ ही दिनों में जो ये सड़क है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अपने आप यहाँ पर सड़क उखड़ रही है और बदहाल स्थिति यहाँ पर सड़क की देखी जा रही है। जमोर की हम बात कर रहे हैं, खटीमा के जमोर की, जहां पर लाखों की लागत से बनी जो सड़क है वो महज चार ही दिन में उखड़ने लगी है, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। वहीं ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात भी यहां पर कही है। सड़क बनाए जाने की जो बात कही जा रही है वो यहां पर कहा जा रहा है किस तरीके से बदहाल स्थिति में अब सड़क पहुंचने लगी है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सड़क में जगह जगह घास उगना शुरू हो गई है। वहीं सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि क्षतिग्रस्त होने लगी है यहां पर सड़क। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कैलाश पांडे, आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। कैलाश जी, जमूर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि डामरीकरण यहां पर सड़कों का हो रहा है और महज कुछ ही दिनों हुए हैं यहां पर सड़क को बने हुए, लेकिन फिर भी सड़क जो है वो उखड़ने लगी है। क्या कहना चाहेंगे आप पूरी स्थिति को देखते हुए? हाँ, सड़क में बड़ा घटिया किस्म का निर्माण कार्य हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वो ये कह रहे थे कि हम अधिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अधिकारियों पर नजर बनाई हुई। अगर अधिकारियों पर नजर बनाई होती तो सड़क बनने से पहले ही नहीं उखड़ती जी। और हम लोग जमोर के ग्रामीणों के साथ, अगर इस काम को सही तरीके से नहीं कराया जाएगा तो हम उनके साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे जी। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों पर नकेल कसी हुई है। मुझे नहीं लगता कि अधिकारी वर्ग कोई उनसे वो प्रभावित होकर काम की गुणवत्ता में सुधार लाए जी। जी कैलाश जी, वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब सड़क निर्माण किया जा रहा होगा तब निरीक्षण किया जाता है अधिकारियों द्वारा कि किस तरीके से सामग्री का उपयोग हो रहा है, घटिया सामग्री का उपयोग तो नहीं हो रहा है, और इन सब चीजों को लेकर निरीक्षण भी किया जाता है। तो क्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है या जो जिम्मेदार है वो भी कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार का ये जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं लिप्त दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इस भ्रष्टाचार में बिना अधिकारी की मिली भगत से निर्माण कार्य घटिया किस्म से कराया जाता है, क्योंकि इसमें कमीशन खोरी का बहुत तगड़ा झोल रहता है जी। इसलिए ये कार्य बनते ही उखड़ जाते हैं जी। जी कैलाश जी, वहीं इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से आगे आप इस मामले में जो जिम्मेदार है उनसे शिकायत करेंगे ताकि जो सड़क है यहाँ पर सही ढंग से इसका निर्माण हो, जो जनता है उन्हें तमाम सुविधाएं सही ढंग से मिले, इसके साथ ही जो यहाँ पर आरोपी हो उन्हें सजा मिले, या फिर जो भी इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए आप आगे क्या कदम उठाएंगे? इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और विभागीय लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनको बकसना नहीं चाहिए जी। और जी कैलाश जी, वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर अब तक किसी इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वहीं अगर इस मामले में आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे किस स्तर पर जाकर आप इसका विरोध करेंगे और किस तरीके से आगे जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे? हम जिलाधिकारी महोदय को अति शीघ्र ही एक पत्र लिखेंगे और ग्रामीणों के साथ मिलकर एक आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे जी। जी कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें, जमोर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की यहां पर हद आप देख सकते हैं, किस तरीके से इतनी घटिया सामग्री का यहां उपयोग किया गया है सड़क निर्माण में। सड़क का डामरीकरण तो हो रहा है लेकिन सड़क में जिस तरीके से सामग्री का उपयोग किया गया है वो काफी घटिया है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घटिया सामग्री के उपयोग के कारण यहां पर जो सड़क है वो यहां उखड़ना शुरू हो गई है। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि फिलहाल तो यहाँ पर जो वाहन है उनकी आवाजाही इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि जब
यहाँ पर जो वाहन है जब उनकी आवाजाही यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो सड़क है वो काफी जल्दी यहाँ पर बदहाली की ओर जो अब चल पड़ी है काफी बदहाल स्थिति में सड़क यहाँ पर आ जाएगी। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं अशोक सरकार। अशोक जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सड़क की यहाँ पर घटिया निर्माण यहाँ पर देखा जा रहा है, घटिया निर्माण की पूरी ये खबर है, जहाँ पर अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया में मामला आने के बाद में मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ठेकेदार हैं उन्हें चेतावनी दी गई है और आगे कहीं ना कहीं वो काम और कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब मामले को उठाया जाता है उसके बाद ही यहाँ पर क्यों कार्रवाई होती है, क्यों आखिरकार पहले जब निरीक्षण किया गया होगा तब इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अशोक जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, अशोक जी, यहाँ पर ये जो भी काम हो रहा है, जब हम पहुंचे मीडिया वहाँ पहुंचे तो जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार कैमरे के सामने आने को कतरा रहे हैं, ना बाय इंटरव्यू देने के लिए ठेकेदार ना अधिकारी कोई नहीं आना चाहते वहाँ पे। ठेकेदार तो आना ही नहीं चाहता है, ठेकेदार कैमरे के सामने आना नहीं चाहता, बोलते हैं उसमें ना आने आ रहे हैं। जी अशोक जी, वहीं इसमें देखा जा रहा है कि सड़क की जो स्थिति है वो यहाँ पर काफी खराब है, यानी कि जो ग्रामीण है वो घटिया सामग्री का उपयोग यहाँ पर किया गया है, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। और क्या कुछ कहना है वहाँ पर ग्रामीणों का और किस तरीके से इस पूरे मामले में वो कार्रवाई चाहते हैं? ग्रामीणों का यही कहना है, ग्रामीण बार बार कह रहे हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं अगर नहीं होगा तो हम आगे चल के मुख्यमंत्री जी को इसकी भी शिकायत उनको अवगत कराएंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नीचे अधिकारी को सबको हमने अवगत करा दिया, मौके पे बुला के दिखा दिया है, अब अगर नहीं करते हैं तो आगे मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराएंगे, ग्रामीणों का कहना ही है। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जमोर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से घटिया सामग्री का यहाँ पर उपयोग हुआ और नतीजा यहाँ पर सामने है कि भ्रष्टाचार के चलते अब जो सड़क है वो यहाँ पर बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। महज 4 दिन पहले ये सड़क बनी थी और अब यहाँ पर जो सड़क है वो उखड़ना शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने कई आरोप यहाँ पर लगाए हैं कि किस तरीके से घटिया सामग्री का उपयोग यहाँ पर किया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो जिम्मेदार हैं वो इस मामले में कार्रवाई करते हैं और सड़क को कब तक आखिरकार दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल के लिए जनमुद्दे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।